फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजीज कृपा एसएनएमएस एकेडमी। आज हम आपके साथ जो है हिमाचल स्पेसिफिक टॉपिक्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हिमाचल की अचीवमेंट क्या रही है और हिमाचल स्टेट की परफॉर्मेंस क्या रही है डिफरेंट पार्ट्स में। और यहाँ पर हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने जो है हमारे पास जो है CCTNS प्रोजेक्ट में टॉप किया है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि CCTNS क्या है और क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, और हिमाचल स्टेट की इस इम्प्रूव परफॉर्मेंस से या इस टॉप पोजीशन से स्टेट को क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है। इन्फॉर्मेशन कह रही है, फर्स्ट थिंग, हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है। सो हमें पहले ये फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी कि CCTNS स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, राइट। और इस सिस्टम की रैंकिंग जो है, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, उस रैंकिंग में हिमाचल स्टेट का जो स्कोर है, तो ये प्रीलिम्स की सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट स्कोर इज 99.77। और फिर हमारे पास अदर स्टेट्स की परफॉर्मेंस है, सेकंड रैंक उत्तर प्रदेश स्टेट का है और हमारे पास जो है नेक्स्ट रैंक जो है वो गुजरात स्टेट का है। ओके, अब व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट ऑल अबाउट। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये प्रोजेक्ट यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। यहाँ हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। सो दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट था हमारे पास, ये हमारे पास 19th जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सो ये प्रोजेक्ट हमारे पास 19th जून 2009 को लॉन्च हुआ था। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम क्या करते हैं, हम बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं जिससे जो है पुलिसिंग एट ऑल लेवल्स पर जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। सो दैट मीन्स इससे जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम तो होगा ही, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई क्रांति, तो इसको हम स्मार्ट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसको हम गुड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, राइट। सो दिस, ये है इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। और अब आप देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस समय यदि हम बात किया जाए तो टोटल हमारे पास जो है 16,437 पुलिस स्टेशन ऑफ द होल कंट्री जहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। दैट मीन इतने पुलिस स्टेशन हमारे जो है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में जो है रजिस्टर हो चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास जो FIR की कॉपीज़ है, जो हमारे पास चार्जशीट्स की कॉपीज़ हैं, वो सब हम यहाँ पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ जो है वो अटेन कर सकते हैं। सो हिमाचल स्टेट के लिए जो सबसे बड़ी प्राइड की बात यह है कि पास्ट कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स से, पिछले 3 सालों से लगातार हिमाचल स्टेट ने अपनी इस पोजिशन को ना कि सिर्फ अचीव किया है बल्कि मेनटेन भी रखा है। सो हिमाचल स्टेट का जो रैंक है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ द हिली एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये जो प्रोजेक्ट की रैंकिंग से जो है नेचुरली जो हिमाचल स्टेट का जो पैरामीटर है या जो एफिशिएंसी है इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, इन इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, वो एनहांस हो चुकी है। इस टेबल के फॉर्म से जो है हम यहाँ पर ये स्कोर्स लर्न कर सकते हैं, जिसमें स्टेट का स्कोर रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज अ रैंकिंग कि हमारे पास जो है फर्स्ट 5 टॉप परफॉर्मर्स जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स रही हैं, राइट। ओके, नाउ लेट मी हेयर फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव। लेट सपोज यू गेट अ क्वेश्चन ऑन द हिमाचल परफॉर्मेंस, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन। इट विल गेट अ क्वेश्चन ऑन कि इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट क्या होगा हिमाचल स्टेट को, राइट। ठीक है, सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इससे हमारे पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स नो डाउट इम्प्रूव हुए हैं, राइट। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर कीवर्ड क्या होगा, दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ द हिमाचल स्टेट पुलिस, क्रेडिबिलिटी ऑफ द हिमाचल स्टेट पुलिस हैज इंक्रीज्ड, राइट। हिमाचल स्टेट के DGP ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि यदि 2016 में हिमाचल में पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यदि उस समय हिली एरियाज की वजह से 70 डेज का टाइम लगता था, तो अब 2023 में यही पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो विद इन 24 आवर्स में होती है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट, कंग्रेचुलेशन टू द स्टेट पुलिस टू अचीविंग दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, राइट। सो एज अ रिजल्ट हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे जो है हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है। और इसका आउटकम हमारे पास क्या होता है कि फिर हम रूल ऑफ लॉ एंश्योर करते हैं। तो स्टेट में रूल ऑफ लॉ जो है, दैट मीन्स दैट इज द जस्टिस विल बी प्रिवेल। सो दैट मीन्स यदि इम्प्लीकेशन और बेनिफिट्स पर क्वेश्चन आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट हिमाचल स्टेट ने जो है किस पार्ट से रिलेट किया है, सो आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क पुलिस मॉडल, मतलब दैट मीन्स हिमाचल स्टेट पुलिस ये नहीं चाहती कि
हम रिएक्टिव पुलिस बने, राइट। हिमाचल स्टेट चाहती है कि हम ऐसी पॉलिसी हमारी हो जो इंपिरिकल बेस्ड हो, मतलब जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी हो, राइट। ठीक है, तो इस पार्ट से हमने जो है न्यूयॉर्क बेस्ड पुलिसिंग का मॉडल है, उस मॉडल का हम यहाँ पर नाम कहते हैं, इट इज़ अ ब्रोकन विंडो मॉडल। ब्रोकन विंडो मॉडल में जिसमें हम एविडेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि इम्पल्सिव रिएक्टिव एक्शंस पर, तो इस मॉडल को हमने यूज़ किया है, इसलिए हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं। सो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हिमाचल स्टेट के हमारे पास जो है ई कोर्ट्स की बात करें हम, ई प्रिजन्स की बात करें हम, यहाँ पर ई फॉरेंसिक लैब्स की बात करें हम, यहाँ पर ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम की बात करें और इवन पुलिस स्टेट की बात करें, सब कुछ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेट हो रहा है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द स्टेट ऑल्सो, एंड वी विश कि कमिंग फ्यूचर में भी हिमाचल स्टेट अपनी इस परफॉर्मेंस को टॉप लेवल पर ही मेंटेन रखेगी। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।